वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम बायो सीखो। आज हम लोग जानेंगे कोफैक्टर्स के बारे में। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि एंजाइम्स क्या होते हैं। तो एंजाइम्स में हमने पढ़ा था कि एंजाइम्स ऐसे बायो कैटलिस्ट होते हैं या कैटलिस्ट होते हैं जो कि क्या करते हैं, रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट नहीं करते लेकिन जो रिएक्शन का रेट होता है उसको इनक्रीज कर देता है। ठीक है, तो ये बायो कैटलिस्ट होता है। तो जैसे कि कोई भी चीज़ एक दूसरे के बिना अधूरा होते हैं, वैसे इंजाइम्स में किसी के बिना अधूरे होते हैं। तो वो अधूरा जो चीज़ है वो उसको क्या कहते हैं, तो चलिए जानते हैं। तो जो इंजाइम जिसके बिना अधूरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर। ठीक है, ये होता है आपका नॉन प्रोटीनियस इन नेचर, दैट इज नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है। और हमने पढ़ा था इंजाइम्स क्या होता है, दैट इज इंजाइम्स होते हैं आपके प्रोटीनियस पार्ट। ठीक है, ये जो एंजाइम जो प्रोटीनियस पार्ट है इसको हम लोग एक स्पेसिफिक नेम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अपो एंजाइम। क्या बोलते हैं? अपो एंजाइम। ठीक है, अब ये कोफैक्टर जो कि नॉन प्रोटीनियस इन नेचर है और ये जो एंजाइम है जो कि आपका प्रोटीनियस इन नेचर है जिसको हम लोग स्पेसिफिक नेम से जानते हैं दैट इज अपो एंजाइम। तो ये जब एंजाइम अगर कोफैक्टर से बाइंडेड जब तक नहीं करेगा वो एंजाइम एक्टिव फॉर्म में नहीं आ सकता। मतलब अगर इंजाइम विदाउट कोफैक्टर है तो वो इंजाइम आपका एक्टिव नहीं होगा। तो उसको एक्टिव होने के लिए क्या करता है, उसको कोफैक्टर से बाइंड होना पड़ता है। तो जब ये जो कोफैक्टर है इंजाइम के साथ बाइंड कर जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं होलो इंजाइम। और ये क्या है, दैट इज एक्टिव इन नेचर। ठीक है, तो कोफैक्टर्स क्या है, नॉन प्रोटीनियस इन नेचर है और आपके जो इंजाइम है वो प्रोटीनियस इन नेचर होता है, इसीलिए उसको वहाँ पे एक स्पेसिफिक नेम से जानते हैं हम लोग उसको, दैट इज अपो एंजाइम। तो जब एंजाइम कोफैक्टर के साथ बाइंड करता है तभी वो एक्टिव फॉर्म में आता है और उस एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज होलो एंजाइम, जो कि आपका एक्टिव इन नेचर होता है। अब हम लोग जानेंगे दैट इज टाइप्स ऑफ कोफैक्टर। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कोफैक्टर, तीन तरह के कोफैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहला बात करते हैं हम लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, आपका ऑर्गेनिक इन नेचर होता है, ऑर्गेनिक इन नेचर होता है। ठीक है, सेकंड क्या बात करेंगे, ये जो एंजाइम के साथ जो ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो टाइटली बाइंडेड होता है, दैट इज टाइटली बाउंडेड होता है किसके साथ, आपका एंजाइम के साथ, दैट इज एंजाइम के साथ। ठीक है, तो अगर इसका एग्जांपल ले तो प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जांपल है आपका हीम ग्रुप, दैट इज हीम ग्रुप। ठीक है, ये हीम ग्रुप क्या करता है, यहाँ पे आपका कोफैक्टर्स का काम करता है। कोफैक्टर्स का काम करता है किस एंजाइम के लिए, तो एंजाइम हो गया जैसे आपका कैटलेज, परऑक्सीडेज। तो ये जो एंजाइम है इस एंजाइम के लिए कोफैक्टर्स का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, दैट इज हीम। तो ये कैटलेज और परऑक्सीडेज नॉर्मली इनएक्टिवेट कंडीशन में रहेगा जब तक कि वो प्रोस्थेटिक ग्रुप जैसे कि यहाँ हीम है उससे ये बाइंड ना हो जाए। तो ये हीम ग्रुप क्या करेगा आपका, ये कैटलेज और परऑक्सीडेज के साथ बाइंड कर जाएगा और इस एंजाइम को एक्टिव फॉर्म में ले आएगा। ठीक है, तो अगर एग्जाम्पल देखें तो परऑक्सीडेज क्या करता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड जैसे है उसको किस में ब्रेक डाउन करता है, दैट इज H2O में और O2 में। तो ये जब तक ये जो हीम है दैट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप, जब तक ये पेरोक्सीडेज के साथ बाइंड नहीं होगा, पेरोक्सीडेज जो इंजाइम हो ये एक्शन को कैरी आउट नहीं कर सकता। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम लोग को इंजाइम। ये भी आपका क्या होता है, ऑर्गेनिक इन नेचर होता है। क्या होता है आपका, ये भी होता है आपका ऑर्गेनिक इन नेचर। ठीक है, लेकिन जैसे कि प्रोस्थेटिक ग्रुप में क्या था कि ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है टाइटली बाउंडेड होता है किसके साथ, एंजाइम के साथ, लेकिन ये टाइटली बाउंडेड नहीं होता है एंजाइम के साथ, दैट इज नॉट टाइटली बाउंडेड। ठीक है, अगर इसका एग्जांपल ले तो आपका हो गया NAD, दैट इज निकोटामाइन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फिर NADP, दैट इज निकोटाइन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, ये हो गया आपका
एग्जाम्पल दैट इज कोएंजाइम का, दैट इज निकोटामाइन एडेनिन डाइनिक्लोटाइड, निकोटाइन एडेनिन डाइनिक्लोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, ये जैसे एंजाइम, तो को एंजाइम में इसमें क्या है कि ये जो को एंजाइम है उसका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है। वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि ये जो होता है को एंजाइम, इसमें कुछ परसेंटेज आपका होता है जो होता है वो वाइटामिन इन नेचर होता है। क्या होता है आपका? वाइटामिन इन नेचर। ठीक है, कौन? दैट इज को एंजाइम। तो अगर जैसे कि अगर ये जो को एंजाइम है वो वाइटामिन इन नेचर होता है, कुछ 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 रीजन जो उसका होता है वाइटामिन इन नेचर होता है, तो इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज एनएडी एनएडीपी, इसमें भी कुछ वाइटामिन प्रेजेंट होंगे। तो एनएडी में और एनएडीपी में कौन से वाइटामिन प्रेजेंट होंगे? तो ये होंगे आपका नियासिन। नियासिन तो बहुत बार एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा जाता है कि एनएडीपी में कौन से वाइटामिन पाए जाते हैं, तो कौन सा वाइटामिन है? दैट इज नियासिन। तो दो एग्जाम्पल देखा हमने, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक कोएंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक इन नेचर था और टाइटली बाउंडेड होता है किसके साथ? एंजाइम के साथ। लेकिन को एंजाइम क्या होता है आपका? वो भी ऑर्गेनिक इन नेचर होता है लेकिन वो लूजली बाउंडेड होता है किसके साथ? दैट इज एंजाइम्स के साथ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हमने देखा हीम ग्रुप, जो कि कैटलेज और परोक्सीडेज जैसे एंजाइम के साथ बाइंड करता है और उसे एक्टिव फॉर्म में ले आता है। लेकिन को एंजाइम में हमने देखा कि उसके पास और एक नेचर और प्रॉपर्टी कह लो वो होता है, दैट इज वो बेटा वाइटामिन उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कुछ परसेंटेज। और इसका एग्जाम्पल हमने देखा निकोटामाइन एडिनिन डाइनिक्लोटाइड और निकोटाइन एडिनिन डाइनिक्लोटाइड फॉस्फेट। तो ये दोनों में कौन से वाइटामिन प्रेजेंट है? दैट इज नियासिन। अब हम लोग थर्ड देखेंगे, इसके थर्ड जो इसका टाइप है को फैक्टर्स का वो देखेंगे। ठीक है, तो इसका थर्ड टाइप क्या है? थर्ड टाइप है आपका मेटल आयन, दैट इज मेटल आयन। ठीक है, ये मेटल आयन क्या करता है? मेटल आयन एक बेसिकली एक आयन होता है जो कि आपका एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों को आपस में जोड़ के रखता है। मतलब एंजाइम से भी बाइंडेड रहेगा और वो सबस्ट्रेट के साथ भी। एंजाइम्स के किस रीजन पे? दैट इज सबस्ट्रेट बाइंडिंग रीजन पे। तो ये जो मेटल आयन है किसके साथ बाइंड रहेगा? एंजाइम्स के साथ भी और सबस्ट्रेट के साथ भी। मतलब ये जो एंजाइम और सबस्ट्रेट है ये दोनों को आपस में जोड़ के रखेगा। ठीक है, और अगर इसका एग्जाम्पल देखें हम लोग, तो एग्जाम्पल है जैसे आपका जिंक है, सपोज ये जिंक आयन है। ठीक है, और ये किस किस एंजाइम्स में ये वर्क स्पेसिफिकली बाइंडिंग में हेल्प कराता है सबस्ट्रेट के साथ? दैट इज कार्बोक्सी पेप्टिडेज, कार्बोक्सी पेप्टिडेज। तो हमने जाना ये था आपका मेटल आयन। मेटल आयन में क्या करता है? बेसिकली मेटल्स होते हैं, मेटल्स के आयन्स होते हैं जो कि एंजाइम और सब्सट्रेट को आपस में जोड़ के रखता है। तो इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि एंजाइम्स क्या होता है, सॉरी कोफैक्टर्स क्या होते हैं, एंजाइम्स के बारे में भी हमने जाना, फिर कोफैक्टर्स क्या होते हैं, एपो एंजाइम्स क्या होते हैं, होलो एंजाइम्स क्या होते हैं, और कोफैक्टर्स के जो तीन टाइप होते हैं दैट इज आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और आपका मेटल आयन, ये तीनों को हमने एग्जाम्पल के साथ समझा। अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।